नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत सबरंग में आप सभी का। मित्रों, हर दिन हम सब के लिए बहुत बहुत खास और विशेष होता है। हर एक के लिए हर दिन खास होना ही चाहिए, और नहीं है तो हमें उसे खास बनाना चाहिए। इतिहास में भी हर दिन किसी न किसी महामानव के जीवन से जुड़ा हुआ है। आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म दिवस है। हम सब के लिए बहुत कुछ उन्होंने छोड़ा है। एक ऐसे महाकवि जिनकी रचना गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, जिन्होंने हमारे राष्ट्र को राष्ट्रगान दिया। न केवल हमारे राष्ट्र को लेकिन बांग्लादेश को भी उन्होंने अपनी एक सुंदर कृति प्रदान की, जो वहाँ का राष्ट्रगान है, जनगणमन हमारे देश का और अमार सोनार बांग्ला, बांग्ला देश का। गुरुदेव ने अपने जीवन के माध्यम से सभी को बहुत बहुत प्रेरित किया। वो महान संगीतकार भी थे, चित्रकार भी थे, नाटककार भी, तो समाज सेवी भी। उनकी हर बात से राष्ट्र प्रेरित हुआ करता था। तो ऐसे गुरुदेव के जन्मदिवस पर आज उन्हें बहुत ही हृदय के श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उनकी शिक्षाओं को जीवन में लाने का संकल्प लेते हुए, आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। नमस्कार। शांति व शीतलता मनुष्य को वातानुकूल कक्ष की तरह शांति प्रदान करती है, शीतलता प्रदान करती है, जैसे कि हमें एयर कंडीशनिंग में मिलती है। यानी कि कार्यक्षमता जो है उसको बढ़ाने के लिए हम जीवन में बहुत कुछ करते हैं। क्यों नहीं हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है? उसके पीछे क्या कारण है? किसकी जीवन में आवश्यकता है? तो वास्तव में देखा जाए तो कार्य क्षमता को बढ़ाने का बहुत ही आसान तरीका है कि हम अपने जीवन के अंदर शांति और सहनशीलता को बढ़ाते चले जाएं। शांति और सहनशीलता मनुष्य के जीवन का वो गुण है जो हमें बहुत सी कार्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हमें बहुत अच्छी तरह से समय देता है। आज का समय कंपटीशन का है, सभी चाहते हैं कि उनकी वर्क एफिशिएंसी पहले से बढ़े, लेकिन कैसे पॉसिबल है? चाहे हम कितने भी अपने आप को ट्रेनिंग्स दे लें, लेकिन हमारे जीवन के अंदर अगर शांति व शीतलता नहीं है तो हम अपनी एफिशिएंसी को नहीं बढ़ा सकेंगे। तो आइए आज से हम अपनी एफिशिएंसी को, कार्यक्षमता को पहले से कई अधिक बढ़ाएंगे और ध्यान रखेंगे दो बातें, वो है जीवन में शांति और सहनशीलता। मित्रों, पहले के समय में परिवार में 10, 15, 20 जितने भी सदस्य हुआ करते थे, आपस में प्यार से मिलकर बैठते थे, हंसी मजाक करते थे, एक दूसरे को अपनी बातें सुनाया करते थे, प्रेरित किया करते थे, मदद किया करते थे। लेकिन आज घर में 4 सदस्य भी हैं तो आप जानते हैं कि चारों यदि एक स्थान पे भी हैं तो भी सबके हाथ में अपने अपने मोबाइल हैं और अपने अपने में ही व्यस्त हैं। साइंस का ये साधन मित्रों जहाँ बहुत कुछ प्रदान करने वाला है, वहीं नुकसानकारक भी है। केवल संबंधों की बात नहीं, लेकिन ये हमारे शरीर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। ये सिद्ध भी हो चुका है कि इससे निकलने वाले रेडिएशंस हमारे शरीर के विभिन्न अवयवों को भी, और सबसे ज़्यादा तो हमारे ब्रेन को प्रभावित करता है। रात को कई ऐसे होते हैं जो मोबाइल को अपने पास रख कर ही सोते हैं और उठते ही मोबाइल पे ही हाथ उनका जाता है। इतने ज़्यादा यदि हम मोबाइल के एडिक्ट हो गए हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके ब्रेन को, आपके शरीर को इससे क्या क्या क्षति हो रही है, ताकि हम सावधान हो सकें। आज यही सावधानी डॉक्टर साहब हमें प्रदान कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आजकल मोबाइल फोन एक नेसेसरी इविल बन गया है। भारत में देखने में आया कि लगभग 100 करोड़ मोबाइल फोन यूज होते हैं, और ये मोबाइल फोन, इसकी काफी स्टडीज हुई हैं नीदरलैंड में, इटली में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, और ये पाया गया कि मोबाइल फोन से जो रेडिएशन निकलती है, जो हमारे ब्रेन की एक्टिविटी होती है, जो हम इलेक्ट्रोड जैसे हार्ट की ईसीजी करने से ब्रेन की हम ईईजी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड सिर पर लगा करके उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, 18 चैनल की, 24 चैनल, 36 चैनल ईईजी होता है, उसमें देखने आया कि ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर 5 मिनट आप मोबाइल को कान पर लगाते हैं तो उससे ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाती है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। जैसे कि अगर आपकी अल्फा रिदम है तो बीटा हो जाती है, बीटा है तो बीटा प्लस हो जाती है या सुपर बीटा हो जाती है। अर्थात आप वैसे भी देखा होगा, आप इरिटेट हो जाते हैं यूजली मोबाइल फ़ोन अधिक यूज़ करने से, और स्पेशली जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे माने जिसकी जैसे 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, और आजकल तो देखा होगा आपने 2-3 साल के बच्चे भी मोबाइल यूज़ करने लगे हैं। तो मोबाइल से क्या होता है, बच्चों की जो स्कल की हड्डी होती है बहुत पतली होती है, और वो 5-6 गुना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, और जितने और कम एज के बच्चे उनके और ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है रेडिएशन। ब्लड वेसल्स हैं उसकी सेल्स होती हैं, एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, वो श्रिंक हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो अनवांटेड प्रोटीन्स हैं वो फिर ब्रेन के टिश्यू में सिक्रेट होने लगती हैं, और जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के फंक्शन को फ़र्क पड़ता है। कुछ स्टडीज़ में ऐसा भी पाया गया है कि जो अपने सिर के पास अधिक कान को मोबाइल लगाते हैं और उनको अधिक मात्रा में ब्रेन कैंसर, जो ब्रेन के ट्यूमर्स होने के चांस रहते हैं। हालांकि अभी कंक्लूसिव स्टडी कोई नहीं पता है, कोई क्लियर नहीं है, फिर भी कहा जाता है कि इससे हमारे अभी ये एक एक्सेप्ट किया WHO ने भी कि मोबाइल फ़ोन इज़ ए पोटेंशियल कार्सिनोजन, अर्थात कैंसर पैदा करने वाली जो रेडिएशंस होती हैं, और इससे कैंसर होने का अधिक चांस हो जाता है। और कम से कम जब भी आप सोते हैं तो 6 फुट दूर अपने से मोबाइल को रखें। सोते समय अगर आपके घर में रूटर लगा हुआ है, जो वाईफाई है, तो एटलीस्ट वो बंद कर दें, जो अपना जो रूटर है उसको बंद कर दें। मोबाइल ज़रूरी है कि तो इतना ज़रूरी नहीं कि आपको ब्रेन ट्यूमर हो जाए या आपकी ब्रेन की एक्टिविटी खराब हो जाए। ओम शांति। तो मित्रों, एक संकल्प तो आज हम सभी जरूर लें कि हम मोबाइल का संयमित प्रयोग करेंगे। माना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं कि हमारे तन को अस्वस्थ करने लगे, हमारे संबंधों को अस्वस्थ करने लगे, और सबके बीच होते हुए भी हमें और औरों को अकेला महसूस कराने लगे। हम समझदार हैं, ज़रूर जागरूक बन करके इस पर हम एक दृढ़ संकल्प आज ज़रूर लें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, कहते हैं कि अच्छे जो संस्कार हैं वो किसी मॉल में नहीं मिलते, लेकिन परिवार के माहौल में मिलते हैं, और यही पारिवारिक माहौल प्रदान करता है ब्रह्मा कुमारीज परिवार। चाहे कोई खास हो या आम हो, जब कभी यहाँ आता है तो अच्छे संस्कार, अच्छे मूल्य और अच्छी प्रेरणाएं ही लेकर अपने अनुभवों में जाता है, और ये अनुभव सबके साथ साझा भी करता है। आइए देखते हैं कि आज विशिष्ट जन की बातें विशेष में कौन से विशेष अतिथि अपने सुंदर अनुभव हमारे साथ साझा कर रहे हैं। हमने जब बच्चा पैदा होता है हमारा देश में, 2.5 साल से हम इनको किसी स्कूल को भेज देते हैं, 3 साल से भेज देते हैं, तो उनका बचपना नष्ट हो जाता है, उनका ग्रोथ अरेस्ट हो जाता है। द ग्रोथ विल बी देयर व्हेन ही विल लिव फ्रीली, लर्न फ्रीली। इनको कभी किसी ने नहीं बताना चाहिए कि इसको पढ़ो, इसको पढ़ो। जो आजकल के जो माँ बाप है वो बड़े व्यग्र है, जल्दी जल्दी इनका बेटा को कुछ कर देंगे, कुछ फैक्ट्री में, जैसे कि कोई एजुकेशन फैक्ट्री में पाइपलाइन में डाल देंगे, तो वो क्या होगा ना, वो आ जाएगा इंजीनियर होके, डॉक्टर होके, और पैसा कमाने लगेगा। तो पैसा कमाने का यंत्र चाहते हैं, कोई अपना बेटा को राम या कृष्ण या जयदेव या गांधी या कोई बड़ा विद्वान, शंकर, रामानुज, मध्व, निम्बार्क, इसका ऐसा कोई नहीं करना चाहते हैं।
कोई इनको लेके कोई मैनेजमेंट कॉलेज में डालेगा, इनका लक्ष्य सिर्फ जेई में एंट्रेंस में मिल जाएगा, कोई इंजीनियरिंग में आईआईटी में अब या कोई आईआई में मिल जाएगा तो उनका सिद्धि हो गया, लेकिन इससे पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। आजकल क्या होता है, ग्रैंड पेरेंट्स दे आर कंस्पिकुअसली एब्सेंट फ्रॉम द फैमिली, इन लोगों को लोग बुढ़ापा घर में छोड़ देते हैं। इसलिए क्या होता है कि जो परंपरा है वो परंपरा का जो धरोहर ये लोग है ये ट्रांसफर नहीं करते हैं। सुंदर और प्रेरित करने वाला अनुभव। सचमुच ब्रह्म कुमारीज परिवार विश्व को ही अपना परिवार मानता है और यही कारण है कि ये निस्वार्थ भाव से समाज के हर वर्ग तक पहुंचकर, गांव-गांव में पहुंचकर सभी को आध्यात्म का सुंदर प्रकाश देता है, एक सूत्र में बांधता है, सबको सर्वोच्च सत्ता का सत्य परिचय देता है ताकि सभी ये जान सकें कि हम एक की ही संतान हैं, आपस में भाई भाई हैं और इस रूप से ये समूचा विश्व ही एक परिवार बन जाता है। किसी भी प्रकार के जाति भाषा धर्म का कोई भेद ही नहीं रह जाता है, ना सुंदर ये सेवा कार्य। आइए देखते हैं पीस न्यूज हाइलाइट्स में ब्रह्मा कुमारी इसके इन्हीं सुंदर सेवा कार्यों को। गुजरात के स्थापना दिवस पर ब्रह्मा कुमारी अटलादरा सेवा केंद्र और मंगलवाड़ी सबजोन के संयुक्त उद्यम द्वारा सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली में शी टीम के पुलिस कर्मियों के साथ साथ यातायात पुलिस के जवान भी शामिल हुए। कार्यक्रम में भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर विजय भाई शाह, विधायक सीमा बेन एवं श्री जितेंद्र भाई शाह, नगर आयुक्त शालिनी बेन, डेप्यूटी मेयर नंदा बेन, स्टेट समिति के अध्यक्ष हितेंद्र भाई, ट्रैफिक डीसीपी जूली कोठिया, शी टीम की एसीपी राधिका भराई, उद्योगपति दिलीप भाई शाह और बिंदिया शाह सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। सभी ने शुभारंभ का दीप जलाया और अपने अपने वक्तव्य में रैली को शुभकामनाएं दी। शाम 4 बजे गणमान्य लोगों ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सैकड़ों बाइकर्स के बीच भारत माता और यमराज मुख्य आकर्षण के रूप में दिखाई दिए। यातायात नियमों का पालन करते हुए 450 से अधिक ब्रह्मा कुमारियां रैली में शामिल हुईं। अंत में सभी को रैली में शामिल होने के लिए सर्टिफिकेट्स से सम्मानित किया गया। मित्रों, आज के सुवाक्य से ही अंत करना चाहूंगा, शांति और सहनशीलता। कहते हैं एक मूर्तिकार एक पत्थर उठा करके ले आया और उस पर छेनी हथौड़ी चलाने लगा। पत्थर थोड़ी देर तक तो सहता रहा, शांति से बैठा रहा, लेकिन थोड़ी देर के बाद चीखने चिल्लाने लगा कि तुम मुझे ठोक रहे हो, पीट रहे हो, मेरे साथ अन्याय कर रहे हो, मुझे छोड़ो, और वहाँ से भाग गया। मूर्तिकार ने कहा कि भाई यदि तुम्हारी इच्छा नहीं है तो फिर मैं तो तुम्हें मूर्ति बनाना चाहता हूँ, लेकिन यदि तुम्हारी इच्छा नहीं है, तुम सहनशील नहीं हो तो तुम मूर्ति नहीं बन सकते। साइड कर दिया, दूसरा पत्थर लाया। दूसरा पत्थर बहुत ही शांति से, सहनशीलता से चोटे खाता रहा, मूर्ति बन गया, मंदिर में स्थापित किया गया, उसके ऊपर सब कुछ चढ़ाया जाने लगा, पूजा अर्चना होने लगी। लेकिन जो पहला पत्थर था वो भी उसी मंदिर में था और लोग उसके ऊपर नारियल फोड़ा करते थे। देखें, शांति और सहनशीलता कितना मूल्यवान है। हम भी मूर्ति बनना चाहते हैं तो इन गुणों को अपने जीवन में शामिल करें। नमस्कार, ओम शांति।